5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन में प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या आना तय। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पर मुहर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया भूमि पूजन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा। अस्थायी मंदिर में की रामलला की आरती। रामलला की पूजा के बाद मंदिर निर्माण स्थल भी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों के साथ की चर्चा। अयोध्या में 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगे कार्यक्रम। सीएम योगी का ऐलान, हर घर हर मंदिर में होगा दीपोत्सव। राजस्थान में अशोक गहलोत और राज्यपाल के बीच खींचतान जारी। विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े गहलोत। बीजेपी के नेताओं ने राज्यपाल कलराज मिश्र से की मुलाकात। कांग्रेस पर लगाया राज्यपाल पर जबरन दबाव बनाने का आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना संक्रमित, भोपाल के सरायु अस्पताल में भर्ती। मुख्यमंत्री अब अस्पताल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देंगे दिशा निर्देश। नरोत्तम मिश्रा संभालेंगे रोजमर्रा के सरकारी कामकाज। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा वो राज्य में लॉकडाउन हटाने को तैयार, अगर मौतें बढ़ी तो क्या विपक्ष जिम्मेदारी लेगा। योगी सरकार का कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। 27 जुलाई से प्रतिदिन 1,00,000 टेस्टिंग कराने पर का निर्देश। योगी सरकार का फैसला, सोमवार से यूपी के शॉपिंग मॉल्स में भी होगी महंगी शराब की बिक्री। 160 रुपए से ज्यादा कीमत की बियर भी बिकेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के प्रोग्राम में टूटी सोशल डिस्टेंसिंग। लाठी वॉरियर शांताबाई को सम्मानित करने के दौरान उमड़ी भीड़। विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 1 अगस्त से शुरू होगा वंदे भारत मिशन का 5वां फेज। 31 अगस्त तक चलेगा अभियान। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आईएसआईएस के कई सक्रिय आतंकी केरल और कर्नाटक में होने का दावा। कानपुर के संजीव यादव की बहन ने की सीबीआई जांच की मांग, पूछा 30,00,000 रुपए किसके पास। प्रयागराज में पूर्व विधायक अतीक अहमद समेत 5 लोगों पर केस दर्ज। प्रॉपर्टी डीलर से 15,00,000 रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। दिल्ली में बदमाशों ने कारोबारी के पिता पर तानी पिस्तौल, रंगदारी न मिलने पर दी धमकी। रीवा में बीजेपी विधायक की फेसबुक आईडी हैक कर ठगी, 2 हैकर्स गिरफ्तार। बरनाला में बीएड पास बेरोजगारों का कैप्टन सरकार पर वार। सरकार पर घर घर नौकरी के वायदे से मुकरने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, 1,00,000 के इनामी बदमाश टिंकू कपाला को किया ढेर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,60,00,000 के पार, 6,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 1 अगस्त से अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी में रूस। शुरुआती दौर में ब्रिटेन, तंजानिया और तुर्की के लिए भरी जाएंगी उड़ानें। दक्षिण कोरिया में मार्च के बाद से अब कोरोना के नए मामलों में सबसे ज्यादा उछाल। बीते 24 घंटों में 113 मामले सामने आए। अमेरिका की तरफ बढ़ रहा तूफान हुना हुआ विकराल। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं, समंदर में हलचल तेज। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने मछुआरे का किया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से किया गया लिफ्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।